भोपाल की खबर के बाद खबर तेलंगाना से, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा युद्ध स्तर पर प्रचार कर रहे हैं। सोमवार को जेपी नड्डा ने तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस पर निशाना साधा। तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा इस दौरान उन्होंने कहा कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों परिवारवाद और भ्रष्टाचार के जमावड़े हैं। कांग्रेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की परिवार की पार्टी है और तेलंगाना में केसीआर, के कविता, केटीआर परिवार की पार्टी। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी बेल पर और तेलंगाना में के कविता जेल में, दोनों ही बेल और जेल में हैं। दोनों भ्रष्टाचार करते हैं। बताओ कांग्रेस के लोगों ने, कोलावरम का कांग्रेस के लोगों ने ये ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला किया था कि नहीं किया था? जरा जोर से बोलो भैया, किया था कि नहीं किया था? 2G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया था कि नहीं किया था? पनडुब्बी सबमरीन का घोटाला किया था कि नहीं किया था? चीनी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? चावल का घोटाला किया था कि नहीं किया था? ये सब घोटाले बाद ये इकट्ठे हो गए। बोलो, ये बीआरएस ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ कालेश्वरम इनका एटीएम था कि नहीं था? आप बताओ ये जितने भी स्कीम थी इसमें 30% का कमीशन लेते थे कि नहीं लेते थे? लेते थे कि नहीं लेते थे? ये सब लोग, कमीशन लेने वाले लोग, ये सब भ्रष्टाचारी और परिवारवाद। परिवारवाद कैसे? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी परिवार की पार्टी बन गई। यहां केसीआर, केटीआर, कविता परिवार की पार्टी। और देखो, राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, और यहां के कविता जेल में। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। हर पल, हर क्षण, हर सच।